नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। आज बात करेंगे दल बदल का दाव। जी हां, विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में दल बदल की सियासत भी तेज हो चली है। नंदकुमार साय जैसे दिग्गज आदिवासी नेता कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लेने से दल बदल की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी आदिवासी समाज को साधने के लिए इस वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी दावे पर भरोसा करे तो बीते कुछ समय में गोंडवाना समाज सहित विभिन्न आदिवासी वर्गों के करीब 900 लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव तक दोनों ही पार्टियों में ये घमासान मचा रहेगा। इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहीं लगभग 35 सीटों पर इनका प्रत्यक्ष दखल है। प्रदेश में साल के अंत में तो लोकसभा के चुनाव 2024 में है। दोनों ही चुनाव के लिहाज से इनका समर्थन महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही पार्टियां इस समाज के लोगों को जोड़ने और अन्य तरहों से उन्हें तोड़ने में लगी हुई हैं। इस मामले में बीजेपी नेताओं का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। वे प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता अपने प्रवेश उत्सव से 2023 की जीत सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के इस प्रवेश उत्सव को फेल बताया है। गोंडवाना गोंड महासभा के बड़े बड़े पदाधिकारी और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, वैश्य समाज के अनेक पदाधिकारी और पूर्व संयुक्त कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। लोगों को ये बताने के लिए, देखो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। पिछले कितने चुनाव में अनुसर्व भारतीय जनता पार्टी प्रचार किया है ना? उसकी दोस्ती किसके साथ थी ये सभी जानते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था तो उन्हीं का। और कुछ समाज के पदाधिकारी शामिल हुए तो समाज, जो आदमी किसी दल में नहीं है वो शामिल हुआ है, दल छोड़ के तो नहीं आया। कांग्रेस ने जहां बीजेपी से उनका बड़ा नेता छीन लिया तो वहीं बीजेपी अब प्रदेश के हर वर्ग को साधने में लगी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दाव बताया है तो बीजेपी इसे लोगों का सेवा भाव बता रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं उनको ही फिर से मतलब प्रवेश दिखाकर उनको प्रवेश दिखाती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव नज़दीक आने के कारण ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, मगर जो जनता है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर 2023 में फिर से कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करेगी और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी, ऐसा मुझे लगता है। भी दो बार हमें अवसर मिला, लेकिन जो लोग हमें समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, वो सभी हमारे सदस्य नहीं हैं। बाद में लोगों को लगता है कि राजनीति में सक्रियता दिखा करके देश की सेवा करना है तो उनको पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम याद आता है, वो कांग्रेस में क्यों नहीं जाते हैं। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके कृत्य ऐसे नहीं हैं कि एक हफ्ते में 900 प्रमुख लोग जिन्हें पद्मश्री मिला, राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला, जो अपने अपने समाजों के प्रमुख हैं, जो अपनी प्रोफेशन में एक बड़ा नाम रखते हैं, ऐसे 900 नाम एक हफ्ते में भाजपा में आने से कांग्रेस में एक खलबली मच चुकी है और उन्हें सूझ नहीं रहा है वो क्या करें। बहरहाल भूपेश सरकार अपनी योजनाओं के आधार पर आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही है। इसके उलट ही बीजेपी विभिन्न आदिवासी नेताओं को अपने पाले में कर भूपेश सरकार के दावों को खारिज करने का प्रयास कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी समाज किसे अपना सच्चा हितैषी मानता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से स्वाति रविकांत कौशिक की रिपोर्ट।
तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस खास विषय पर चर्चा शुरू करते हैं और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, बीजेपी से प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी आपके पास ही आना चाहूंगी, और क्योंकि ये सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से भी उठ रहे हैं कि आदिवासी वर्गों को साधने की जो बीजेपी की कोशिश है वो खुद की कोशिश को राजनीतिक बताते हैं और दूसरे की कोशिश को पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी उठे हैं, इसलिए पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए भूषण जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का 42% जो क्षेत्र है वनांचल है और छत्तीसगढ़ की 32% जनसंख्या आदिवासी, जो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान की स्थिति बात करूं, बस्तर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है बस्तर जी, और बस्तर की 12 की 12, सरगुजा की 14 की 14, कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी वर्ग पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। एक कुछ आंकड़े और दे दूं आपको, जब 2018 में विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस को वोट मिले 43.9%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6%, 10.3% बहुत लंबा अंतर था। सीटों का अंतर था 53 और वोटों का अंतर 10% ज्यादा, जबकि 2013 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जो वोटों का पक्ष का अंतर था मात्र 0.7% और सीटों का जो अंतर था मात्र 10। ये लंबा जो गैप है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इससे बाहर से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जिसे कहीं ना कहीं मुद्दा और आपने जो उठाया है, आज इंटेन के जो वरिष्ठ आदिवासी नेता थे नंद कुमार साय, जो 3 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार के राज्यसभा सांसद, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे और छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसा कदावर नेता जो अटल आडवाणी के समय प्रमुख आदिवासी नेता रहा हो, आज उपेक्षा का शिकार होके कांग्रेस में शामिल होता है, ये कहने के भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत का स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन जो ये अभी जो घोषणाएं कर रहे हैं, आज देखिए अनुज शर्मा की बात करें, वो छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, पहले भी जितने 3 विधानसभा के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भी हो चुकी है, ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वो जो एक ऑफिशियल उसमें करके एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता देश की जनता समझ रही है। मेरी आवाज आ रही भूषण जी आपको? और क्योंकि हमारे साथ दूसरी तरफ बीजेपी से भी प्रवक्ता मौजूद हैं, विमल जी, क्योंकि कांग्रेस ने जो है बीजेपी से उनका बड़ा नेता छीन लिया है, तो बीजेपी अब प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, जी कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रहे है। कांग्रेस नकाब ओढ़ करके आती रही और आज वो नकाब कांग्रेस का जो है वो उसके चेहरे से निकल चुका है। ये बताइए आप, 32% आरक्षण आदिवासियों को किसने दिया इस प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस की 3 साल सरकार रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसने उस आरक्षण को बदलने का, बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। वहीं आपको बता दूं, देश में राष्ट्रपति आदिवासी किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्यपाल किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कितने बड़े नेता रहे हैं आप जानिए कि अरविंद नेता इंदिरा गांधी जी के साथ काम कर चुके हैं, जो आज वो कांग्रेस से बाहर हो गए, जो वो अलग से अपनी पार्टी बना रहे हैं। अरविंद नेताम जैसे इतने बड़े आदिवासी नेता यदि कांग्रेस से संतुष्ट है तो उसका कारण है थोड़ा सा ननकी राम कुंवर जी पे भी प्रकाश डाल दीजिए। अरे ननकी राम कुंवर क्यों छोड़ के चले गए? 3 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार के राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के प्रधान, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। आप सुनने की आदत डालिए थोड़ा सा। विमल जी मेरा एक ही निवेदन है, ये जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आज देख लीजिए धर्मांतरण, आदिवासियों का जितना धर्मांतरण कांग्रेस के राज्य में हुआ है आज तक नहीं हुआ। और ये अभी कहेंगे कि जस्ट भाजपा के राज्य में, अरे एसपी की चिट्ठी क्या आपकी आंख नहीं खोल सकती? आपका हिंदू विरोधी चेहरा कवर्धा में, बीरमपुर में, बस्तर में सब जगह देख रहे हैं। राम का नाम लेने से, रामायण करा देने से आपकी तुष्टिकरण की नीति दबने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ का, इसके कारण आज छत्तीसगढ़ का हर बुद्धिजीवी कांग्रेस से चिढ़ा हुआ है। आप देखिए कोयले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ,
आज इनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं, शराब में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, चावल में कितना घोटाला हुआ, और पीएसटी का घोटाला जिसमें युवाओं के भविष्य को कुचलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, ये माफ करने योग्य नहीं है। युवा युवा विरोधी चेहरा जो है सबको हरा दिया गया ताकि सभी जो पक्ष उनकी तरफ से बात नहीं करता कि आप लौटूंगा आपके पास। विमल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी राम अवतार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, आदिवासियों को लुभाने की जो बीजेपी कांग्रेस दोनों की कोशिश है उस पर खासतौर से मैं आपसे इसलिए इस पर जवाब चाह रही हूं कि बीजेपी ने 900 से ज्यादा लोगों को अपना सदस्य बना लिया है। इसमें बीजेपी के पेट में दर्द होना तो लाजमी है, लेकिन कांग्रेस भी जिस तरीके से दावे कर रही है वो जमीनी हकीकत आप किस तरीके से देखते हैं? राम अवतार जी, देखिए चुनाव के समय दल बदल का एक खेल हल पार्टियां करती है ताकि उस समय उसका प्रभाव है, उसका झुकाव है, ये संदेश जनता के बीच जा सके। दल बदल आया राम गया राम की राजनीति जो है चुनाव के समय होती है, और छत्तीसगढ़ में ऐसे नेताओं को पिछले चुनावों का अगर इतिहास देखा जाए, राजनीतिक इतिहास देखा जाए, तो ऐसे नेताओं की विश्वसनीयता कम होती है, जनाधार कम होता है, और निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि बनने की संभावनाएं भी कम होती है। छत्तीसगढ़ में दो दलीय पद्धति है, भाजपा और कांग्रेस, जो विचारधारा से जुड़े हैं, जो जिनकी छवि अच्छी है, जो सक्रिय हैं, वही लोग ही यहां पर नेता के रूप में स्थापित हो पाए हैं। वो नेता राजनीतिक दल ये प्रयास करती है पार्टी की बड़े जो चेहरे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए ताकि पार्टी का संदेश अच्छा जाए, पार्टी के नीतियों से प्रभावित हो जाए, तो ये पार्टी का एजेंडा है। इस काम में भाजपा भी लगी है समान रूप से और कांग्रेस भी लगी है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल के लोग एक तरफ अपनी पार्टी में आता है तो स्वागत करते हैं, दूसरी पार्टी में जाता है तो विरोध करते हैं। दल बदल की राजनीति ही खराब है, परंतु ये दोनों पार्टियां चुनाव के समय इसका उपयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। जो उस क्षेत्र का समाज प्रमुख है उसको शामिल कर लो ताकि वो समाज उसके साथ आ जाए, वो विधानसभा चुनाव जीत जाए, वो व्यक्ति की छवि अच्छी है तो उस समाज का प्रभाव बढ़ जाए। तो एक राजनीतिक एजेंडा है, रणनीति है, कूटनीति का हिस्सा है ये, परंतु ये अच्छी राजनीति नहीं मानी जाती, क्योंकि जो ऐसे समय में समर्पित कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा होती है, सक्रिय कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा होती है, और बाहर के पार्टी से आए लोग प्रभावकारी लोगों से मिलकर ऊपर की राजनीति करने लगते हैं और प्रभाव दिशा निर्देश डालने लगते हैं। उनको रीति नीति सिद्धांत से कोई मतलब नहीं होता, सत्ता की राजनीति करने जो आते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टियों को भी दरकिनार करना चाहिए, आम जनता को भी दरकिनार करना चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात, जहां तक बस्तर और सरगुजा की बात है, बस्तर और सरगुजा आदिवासी इलाका है, इन इलाकों में जिस पार्टियों का प्रभाव हो जाए वो सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं, इसलिए ये प्रयास होता है। वहां पर भोले भाले जनता है, वहां पर मैनेजमेंट काम करता है, वहां पर प्रभावकारी और तरीके भी हो सकते हैं, ध्यान बल प्रशासन। बहुत अच्छी बात रामता जी आपने कही है कि दोनों ही पार्टी हैं, वो प्रमुख बीजेपी हो या कांग्रेस के अफवाह की राजनीति करके तो कई ऐसे एजेंडे उन भोले भाले आदिवासियों के बीच की जाती है, तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, इसमें आम जनता का भला नहीं है। आम जनता के हितों में काम करें, आम जनता को क्या देने जा रहे हैं, जो दोनों ही पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकती हैं और दल बदल की राजनीति करती हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अजय जी आपने इसका जवाब, आप ही की बातों का जवाब मैं ले लेती हूँ अजय जी से। अजय जी बहुत समय से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात को कहिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि भूपेश बघेल ने इस पूरे सिनेरियो में जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी के प्रवेश उत्सव को लेकर के भी सवाल उठाए, कहा है कि ये फेल था, पहले ये वजह बता दीजिए। और राम अवतार जी भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां दोनों ही पार्टियां सेकती हैं, आखिर आम जनता का कौन सोचेगा?
देखिए दो चीजें स्पष्ट कर दो, एक तो रामदत्त तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, ऐसे व्यक्ति जो चुनाव के समय जिनकी कोई रीति नीति कोई सिद्धांत नहीं होता सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और ऐसे लोग ये भी स्पष्ट है रामदत्त तिवारी के बात से 100% सहमत हूं, ऐसे लोग चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होते, ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल बदल की राजनीति करते हैं। देखिए जो 900 लोगों के दावे की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या एक भी करावर देता है, क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो विधानसभा चुनाव जीत सकता है? अनुज शर्मा जो ऑलरेडी बीजेपी में है उसको अधिकारी रूप से प्रवेश दिखा के चर्चा करने का प्रयास करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ जनता को कितना भी मूर्ख बनाने का प्रयास करें भूषा जी ये बहुत अच्छे से समझ नहीं है, क्या कांग्रेस का एक भी करावर नेता कोई विधानसभा उम्मीदवार कोई बड़ा नेता कोई शिफ्ट हुआ क्या? नहीं, नंद कुमार साहब की बात करो करावर नेता थे, उनका पार्टी छोड़ के आना उनकी विचारधारा उनकी अपेक्षा का परिणाम था। क्यों फेल है ये आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या क्या उन्होंने अपनी रिपीट कर देंगे प्लीज? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रवेश उत्सव बीजेपी का फेल था, ये पूरा जो छत्तीसगढ़ में सिनेरियो चल रहा है आदिवासी वर्ग को साधने के लिए ये उसी बीच का स्टेटमेंट है। देखिए दो चीजें कह दो, वो उनका कहने का तात्पर्य यह है क्या एक भी कदावर आदिवासी नेता जो बड़ा नेता जो सही में चुनाव जीतने की स्थिति में हो या आने वाले चुनाव में कोई महती भूमिका निभाने की स्थिति में हो ऐसा एक भी चेहरे ने आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश नहीं किया है उसी के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भूषण जी, आदिवासी वर्ग को उन्होंने 15 साल को ठगा, सरकारी नौकरी देने की बात की नहीं दिया, जर्सी गाय देने की बात की नहीं दी, इनके अधिकारों कानून के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात की, 1707 किसानों की 4200 एकड़ टाटा को सौंप दी, आज सारकेगुड़ा एडसमेटा पैदागुलूर में निर्दोष मासूमों इनकाउंटर होता रहा, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार आदिवासी खेतों में निर्णय लिए, चाहे तेंदू के पत्ता का मूल्य 2500 लगा के 4000 ये 7 सघु अनुपज खेते थे हम 65 खेत हैं, पूरे देश का 73% पूरे देश में सर्वाधिक है, 600 ग्राम अनुपज की खेती में वृद्धि होती है, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में पूरे देश में सर्वाधिक, पूरे देश की कांग्रेस की इकलौती सरकार है जो टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन को वापस लौटाती है, तो लगातार हमने आदिवासियों के हितों में निर्णय लिए हैं, इसी का परिणाम है दंतेवाड़ा चुनाव 11,331, चित्रकूट चुनाव 17,853 और आखिरी भानु प्रतापपुर जो आदिवासी सीट थी 20,000 वोट से जीतते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग लगातार कांग्रेस में विश्वास जता रहा है, आज हमें नैतिक साहस नहीं कि सच को स्वीकार करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक को किस प्रकार से एकाध परिषद में बैठ के राजभवन में जो है साजिश षड्यंत्र कराते हैं, वो विमल जी से ले लेते हैं, विमल जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विमल जी, नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ गंगवानी जी क्या बोल रहे हैं, एक तरफ कहते हैं चुनाव के समय दल बदल ठीक नहीं है गलत है, अनंत कुमार खाए जाते हैं तो वाह 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 वाह, अरे भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग आए हैं वो किसी दल से नहीं आए, एक भी बड़ा नेता है क्या बना दीजिए, एक भी बड़ा नेता है क्या मत बोलने दीजिए या बंद कीजिए टिकट को, है ना, एक प्रकार से मत बोलिए, चैनल में झूठ बोलिए करके भाई जो कर गया आप चाहते मैं झूठ बोलता रहूं कुछ नहीं, अगर आप गलत चीज बोलेंगे झूठ बोलेंगे हम लोग करते हैं मेरे चैनल पे, नहीं नहीं आप ऐसा बकवास करेंगे तो टिकट को मत बुलाइए ऐसे लोगों को, अगर आप ऐसे चैनल पे झूठ बोलेंगे तो मत भेजिए डिबेट पे, अगर आपको झूठ ही बोलना है तो मत भेजिए डिबेट पे, अगली बार के चेहरे पे खाली पोते वो आज यहाँ पे आज बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आदिवासियों के चेहरे पे खाली पोते कदम कांग्रेस ने किया है, आप बता रहे आप बताइए बचपन में नक्सलिज्म आज पूरे देश में सर्वाधिक क्यों है, उसका कारण यह है कि आदिवासियों का विमल जी जब बीजेपी पार्टी में आदिवासी नेताओं का इतना सम्मान होता है तो नंद कुमार साय बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों गए? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा है मैं पहले एक मिनट या तो बोलने दीजिए या उनको चुप कराइए, और आप दोनों को अजय जी लौटूंगी मैं आपके पास, विमल जी मेरा सवाल आपसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग का सम्मान होता है तो आपके नेता क्यों बीजेपी छोड़ के गए? आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज आप देख लीजिए कि नंद कुमार साय की हालत कांग्रेस में क्या है, आज उनको कोई पूछ रहा है? जिस दिन वो प्रवेश किया उस दिन मुख्यमंत्री गले लगाए, दो दिन लेकर के घूमे, आज कहां है नंद कुमार साय, उनका नाम आ रहा है, उनको कई बात कांग्रेस के द्वारा हर जगह, लेकिन आप समझ लीजिए कुछ दिन बाद मैं बता दे रहा हूं कि नंद कुमार साय पछताएंगे, जिस प्रकार अरविंद नेताम जो है आज कांग्रेस छोड़ के बाहर हो गए हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं अरविंद नेताम कांग्रेस विरोधी काम कर रहे हैं, तो
अरे भाई क्यों छोड़े नंद कुमार साहब बता दीजिए, छत्तीसगढ़ जनता सुन ले, बीजेपी से बात बाहर निकले। आप कहना चाह रहे हैं बोलने दीजिए, जब बीजेपी बकवास बंद कराइए, बकवास बंद कराइए। अरे बोलने का साहब की उड़ा चोपड़ा ने बदतमीजी मत कीजिए चैनल पे, इस प्रकार की भाषा का उपयोग ना करें। इस प्रकार के ये वही नेता है जिसकी पुलिस से बहस होनी चाहिए, उनका समय आया, मैंने बीच में नहीं कहा, लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो डिबेट को मत बुलाइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उन्हीं को बोलने दीजिए। आप मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद नेता कांग्रेस के कितने बड़े नेता है, इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, आज क्यों कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं जी? विमल जी क्योंकि सवाल इस वक्त आपसे चल रहा था, तो इसी सवाल पे एक और सवाल उठ रहा है कि ये चीज भी बीजेपी को समझ लेनी चाहिए। पिछले चुनाव की अगर तुलना कर ली जाए, आंकड़ों की बात कर ली जाए, सिर्फ बस्तर संभाग की 12 सीटों को साधने की कोशिश की अगर बात कर ली जाए, उसमें भी बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग ही, तो सुन लीजिए, आदिवासी वर्ग ही वो वर्ग है जिसे भरपूर साधने की कोशिश इस वक्त बीजेपी भी कर रही है। ऐसे समय में, इतने कमजोर समय में अगर बीजेपी अपने नेताओं को नहीं संभालेगी तो क्या स्थिति होगी? जवाब आपका। नहीं नहीं सुनिए, आज बहस तो इस बात पे हो रही है कि 700 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी, दूसरे बता दो ये विधानसभा में बोल रहे थे हम 75-70 सीट डिफाई करके, उसके बाद 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस की ये मत सोचिए कि आप 7% तो वोट खत्म नहीं होगा, ये लोकसभा चुनाव का जो परिणाम समय की कमी है, समय की कमी है, क्योंकि बहुत देर से आपको समय दे रही थी और मैं जो जवाब चाह रही थी आपसे। अजय जी आपने अभी तक विमल जी को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बहुत स्पष्ट है, ये आदिवासी करते हैं विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनके पत्र कितने आदिवासी दूसरे राष्ट्रपति बनाने की देखिए शुरू हो गया, ये बौखलाना शुरू हो गया। देखिए भूषा जी ये बदला लेने की राजनीति, ये महात्मा का चरित्र इनको शांत करा दी पहले भूषा जी। अजय जी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए भूषा जी अभी यही करेंगे क्योंकि इनके सच मैंने खोल दिया, इनके पोल पंजी छत्तीसगढ़ जनता के सामने आ गए, इनका साउंड डाउन कीजिए भूषा जी, पहले मेरा निवेदन आपसे, इनको पहले साउंड डाउन कीजिए, पहले इनका शांत हो जाए, मत रुकना जी, शांत हो जाए जी, आप दोनों भूषण में विनम्र निवेदन कर रही हूँ, थोड़े समय के लिए आप दोनों पहले शांत हो जाइए। विमल जी आप भी, अजय जी अजय जी आप भी शांत हो जाइए, विमल जी आप भी शांत हो जाइए। विमल जी मैंने आपको बहुत समय दिया एक प्रतिक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, ऐसे अगर आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस डिबेट का कोई मतलब होगा। अजय जी लास्ट कॉमेंट, समय की कमी है। देखिए बहुत स्पष्ट है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग के प्रति क्या सोच के नजर में रखती है। उसके बाद राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, क्या संसद जी? आपका भी शुक्रिया राम अवतार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। बहरहाल दोनों ही के जो प्रवक्ता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही से हमने सुनने की कोशिश की और जो तर्क निकल कर के सामने आए हैं, कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि आदिवासी वर्ग को साध लिया जाए, लेकिन जो स्थिति है वो राजनीति की लगातार बनती जा रही है।